टीवी पर लोगों का मजाक बनाकर सबको हंसाती थी भारती, आज पूरी दुनिया उसका मजाक बना रही है। सिर्फ एक रग ने भारती की जिंदगी खराब कर दी। भारती के घर में रग कैसे आया और क्यों आया, इसके बारे में सोचने के बजाय इस वक्त लोग भारती के मुंह पर कालिक थोपने का काम कर रहे हैं। दुख की बात तो ये है कि भारती के इंडस्ट्री के लोग ही उनके जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि भारती के साथ साजिश की गई हो, लेकिन लोगों को सिर्फ इस वक्त एक ही बात कहने को मिल रही है कि भारती हर्ष भी रग का गंदा धंधा करते थे। हम आपको इंडस्ट्री के उन लोगों के कमेंट्स दिखा रहे हैं जो भारती के जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रहे हैं। याद हो आपको हाल ही में अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें अर्णव के मीम्स बनाए गए थे, जिसमें अर्णव कह रहे थे कि रग दो रग दो। अब इसी तरह से भारती का मजाक बनाया जा रहा है। कॉमेडियन कीकू शारदा तक नकल उतारते कहते दिखे कि जग दो जग दो। इतना ही नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि भारती के गांजा पर एक एपिसोड बनाना चाहिए, भारती गांजा दो गांजा दो। हैरानी तो तब हुई जब मशहूर अभिनेता जॉनी लीवर ने कहा कि मैं भारती हर्ष को सलाह देना चाहता हूँ कि वो जब भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर वापस लौटें तो अपने बड़े छोटे हर आर्टिस्ट से अपील करें कि रग का सेवन ना करें। जॉनी लीवर ने ये सलाह भारती के ट्वीट को लेकर कही, जिसमें 5 साल पहले भारती एक चैट में कहती दिखी थी कि रग का सेवन ना करे, ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब वही भारती रग केस में पकड़ी गई है। जॉनी लीवर कहना चाहते हैं कि भारती वो ट्वीट करके क्या साबित करना चाहती थी जो खुद ही अब पवित्र नहीं रही। जॉनी लीवर ने तो संजय दत्त को लेकर भी तीखी बात बोली। जॉनी ने कहा कि संजय दत्त को अच्छी तरह से समझ आ गया है कि रग का सेवन कितना हानिकारक है। जॉनी ने तो संजय की बीमारी का भी मजाक उड़ाया। याद हो आपको संजय दत्त इन दिनों शराब पीने की वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। जॉनी ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इससे पहले शेखर सुमन ने कहा कि भारती सिंह का रग केस में नाम सामने आया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन भारत में कॉमेडी करने वालों की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजू श्रीवास्तव ने कहा, क्या भारती और उनके पति ऐसा काम कर सकते हैं? मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, लाखों लोग आपको अपना आइडल बोलते हैं, लोग आपकी फोटो अपने फोन पर लगाते हैं, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो ये सब करने की क्या जरूरत है। हर कोई भारती हर्ष पर उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है, लेकिन सच क्या है वो भी जल्दी सामने आ जाएगा। 21 नवंबर को एनसीबी भारती हर्ष के घर पहुंची थी। दोनों को रग केस में पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया गया। दोनों ने ही गांजा का सेवन करने की बात स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद एनसीबी ने उन्हें गांजा का सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार कर उन्हें 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि भारती और उनके पति ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दे दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और दोनों को जमानत मिल गई। एनसीबी ने पहले भारती सिंह को गिरफ्तार किया था, उसके बाद उनके पति को भी हिरासत में ले लिया था। हर तरफ अभी यही आवाज उठ रही है कि भारती हर्ष की बनी बनाई जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और भारती ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। चलिए बताते हैं हम आपको कि लोगों ने क्या क्या बातें कहना शुरू कर दी हैं और भारती और हर्ष की अभी से नींदें उड़ चुकी हैं। पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। पूरे देश को भारती की खबर से बहुत दुख हो रहा है। कुछ लोग तो अभी यकीन भी नहीं कर पा रहे। रिया चक्रवर्ती, राकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान जैसे कई स्टार्स का भी हाल ही में भारती जैसा ही हाल था, लेकिन कोई शौक नहीं था क्योंकि वो आम लोग नहीं थे। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि उनके बचपन के शौक भी हुए होंगे। यहाँ भारती तो जमीन से जुड़ी है और आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने वाली लड़की थी, लेकिन अब वो आम नहीं रही। लोग उनकी गरीबी को ध्यान में रखकर उन पर भरोसा करते थे, लेकिन एक छोटी सी लल्ली ऐसा काम करेगी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब हर कोई बेधड़क होकर भारती की इन करतूतों पर थूक रहा है। लोगों को भारती का नाम लेते शर्म आ रही है। मुंह पर हंसी और अंदर काली करतूतें छिपाई रखने वाली भारती हर किसी के दिल से उतर चुकी हैं। सवाल ये नहीं कि भारती सिंह के घर में रग कितनी मिली, सवाल ये है कि भारती सिंह के घर में रग आई कहां से। जो इंसान कभी को एक टाइम की रोटी नहीं खा पाता था, वो लाखों रुपए रग से कमा रहा है और उस पर खर्च कर रहा है।
भारती ने आज उन सभी लड़कियों को शर्मिंदा कर दिया जो रात दिन मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरती हैं। भारती की इन हरकतों के बाद लोग यही कह रहे हैं कि पता नहीं वो भी परिवार का पेट भरती थी कि उनकी जिंदगी छीन रही है। इतना ही नहीं, अब तो भारती की कमाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपने देखा होगा, भारती सबसे ज्यादा स्टार की कमाई की लिस्ट में शामिल है। अब पता नहीं ये कमाई रख वाली है कि उनकी कॉमेडी की। कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि जरूर बचपन में भी भारती ऐसे ही काम करके आगे बढ़ी हुई होंगी। लोगों के सामने अपनी गरीबी के दुखड़े रोती थी और काम ऐसे करती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारती सिंह भी ऐसा कर सकती थी। भारती सिंह भी सुशांत केस से जुड़े रॉक केस में शामिल हो सकती थी। सबको हंसाने वाली भारती सिंह की जिंदगी में भी अब आंसुओं की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त भारती सिंह और उनके पति हर्ष पर जो गुजर रही होगी वो वही जानती होंगी। लेकिन भारती से ज्यादा इस वक्त उनकी माँ का बुरा हाल हो रहा होगा, क्योंकि भारती खुद कह चुकी थी कि उनके परिवार में उनकी माँ सबसे ज्यादा इमोशनल है। वो किसी भी डरावनी बात को ज्यादा देर तक सह नहीं पाती है, क्योंकि भारती की माँ की जिंदगी में इतनी परेशानियां आई थी कि उनमें दोबारा वो दिन देखने की हिम्मत नहीं बची है। लेकिन भारती और हर्ष की वजह से भारती की माँ की हालत खराब हो गई है। जब से भारती की माँ को पता चला कि एनसीबी भारती हर्ष के घर पहुंचकर छापेमारी करके उन्हें हिरासत में ले गई है, तब से भारती की माँ की तबीयत खराब है और वो गलत विचार लाने लगी है। अब घर में रग मिला है तो एनसीबी की पूछताछ तो होगी, लेकिन भारती के घर में रग कहाँ से आया और क्यों आया, इस बारे में जानकर उनकी माँ भी हैरान है। माँ बार बार सोच रही है कि कहीं रिया चक्रवर्ती की तरह उनकी बेटी भारती के साथ भी टीम गलत सलत ना करे, कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिससे भारती हर्ष फंस सके। हो सकता है कि भारती की माँ को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की माँ को उस वक्त पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता। रिया की माँ ने कहा था कि उनकी बेटी रक नहीं लेती है, उन्हें फंसाया जा रहा है। एनसीबी की हिरासत में आकर रिया के घर वालों का जो हाल हुआ था वो आप सभी ने देखा था, और इतनी पूछताछ में रिया के पापा को अटैक भी पड़ा था। बेटी की खबर से पापा की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। खैर, बाद में पता चला कि रिया के घर वाले खुद नशे के आदी थे। अब यही डर भारती की माँ को सता रहा है। क्या भारती की माँ भी बेटी और दामाद के साथ नशे के खेल में शामिल है? क्या भारती की माँ से भी पूछताछ होगी? क्या रिया की तरह भारती का भी हाल होने वाला है? इस वक्त लोगों के मन में ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। पूरी जिंदगी मेहनत करके भारती की माँ ने अब सुकून उठाया और अब भारती की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। एनसीबी ने भारती के बाकी तीनों घरों में छापेमारी की और जिस घर में भारती हर्ष रहते हैं वहां टीम को कुछ रग मिली।